बस सुविधा को लेकर माकपा ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। परिवहन सचिव ने धरना स्थल पर आंदोलनकारियों से बातचीत की, जिसमें ड्राइवर व कंडक्टर की भर्ती शीघ्र करने, स्कूल व कॉलेजों को परिवहन निगम द्वारा चलाई जा रही बसों को जारी रखने, जहां एक बस जाती है उन्हें नियमित रूप से हर रोज चलाने, JNRUM की वर्षों से खड़ी सभी बसों को चलाने, बंद किए गए सभी रूटों पर नियमित रूप से बस चलाने पर सहमति बनी है, लेकिन माकपा मांगों के बारे में लिखित रूप से लेने पर अड़ी है। माकपा का कहना है कि जब तक इन मांगों के बारे में लिखित रूप से नहीं दिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ठियोग के विधायक राकेश सिंघा व पार्टी के राज्य सचिव संजय चौहान भी धरने पर बैठे हैं। PI TV के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।